नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये DT14 ट्रैक्टर है, 1966 का मॉडल, और ये अजीत सिंह जी हैं जो इस ट्रैक्टर के ओनर हैं। चलो इनसे बात करते हैं। नमस्कार अजीत जी। नमस्कार जी। आप अपना इंट्रोडक्शन दो जी, अपना नाम पता बताओ। मेरा जी नाम अजीत सिंह है जी। हाँ जी। और मेरा गाँव का नाम बहुजमालपुर है जी। हाँ जी। और रोहतक जिला है। अच्छा जी। जो ये DT14 ट्रैक्टर आप कब लेकर आए थे, कौन सा मॉडल है जी? ये जी 66 मॉडल है। अच्छा जी। और ये हमारे पापा जी लाए थे। अच्छा, आपके पिताजी ले गए थे। ठीक ठीक। कितने दिन तक आप चला रहे हो उस ट्रैक्टर ने? ये शुरू से ही चल रहा जी। अच्छा, शुरू से नया ही लेकर आए थे आप? ना, तो सेकंड हैंड। अच्छा अच्छा। और एक अनु जानी कद लेकर आए थे? पछ ले थे। अंदाजा सा, फिर भी अंदाजा हा होगा मेरे ख्याल में, यो 72-73 में ले थे। अच्छा, 72-73 में आप ले आए थे इस ट्रैक्टर ने, जबकि आप चलाने ला रहे हो ट्रैक्टर ने। चलाने लग रहा है। अच्छा, इतना पुराना ट्रैक्टर हो लिया तो इसका काम के करे आप, के काम करो इस ट्रैक्टर? जी, जनरेटर चला लिया हाँ, ट्यूबवेल चला लिया हाँ। अच्छा अच्छा। और ट्राली का काम ले लिया हाँ। अच्छा, छोटा मोटा है बड़े भी काम? ना, बड़े नहीं काम करते। अच्छा, बड़े ट्रैक्टर आ गए। अच्छा अच्छा, उससे तो दूसरे ले लिया, तो बस जनरेटर जरूर पे। जनरेटर में इसकी पूंजी देखे में उठे नहीं। और भाई एक इंजन की पूंजी उठेगी, चाल भी छका है, चाल भी ले है और काम भी, और वो एक इंजन तो ट्यूबवेल में जैसा है उठाया नहीं था ना। वो तो है जी, वो तो खर है, वह दिक्कत है। इतनी काम कर दे आप तो, जब छोटे छोटे हो गए जब ये ट्रैक्टर आया? हाँ, जब मैं छोटे थे। अच्छा अच्छा। कितने एकड़ जमीन वो ही आपने इस ट्रैक्टर से उस टाइम? जी, हमने 250 एकड़ जमीन की खेती करी इस ट्रैक्टर। 250 एकड़ जमीन उस टाइम पर करी थी आपने? कमाल कर दिया इस ट्रैक्टर ने तो। पहले तो बहुत काम कर रखते हैं जी, बहुत ज्यादा था, 2 किले बालन थे, 3 बालन थे, जो 10 किले काट देता था ताई। ना वो तो है जी, 10 किले और घना फर्क पड़ गया ना एकदम, तो कई गुना फालतू हो गया, 5 गुना फालतू हो गया तो सीधा सीधा। और फिर 250 किले न्यू तो बुए नहीं सजे, एक बद बुन देखो नहीं। 5-10 किले में एक बो गया, 5-10 मगुआर बो गया, और अटरम से अटरम 40,000 था। आपने खूब चलाया होगा? हाँ, चलाया खूब। तो पूरा ट्रैक्टर ओरिजिनल है? ओरिजिनल है। लेबर कम है इसकी ट्रैक्टर में, टूट फूट कम है ट्रैक्टर की? अच्छा, शुरू का ही रोगन है। अच्छा अच्छा, ये भी सही। हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल रोगन है। नहीं, आप जैसे आप चला रहे हो आज भी, हाँ। ट्यूबवेल वगैरह पर बता रहे थे। मीटर भी ओरिजिनल इसके? हाँ, मीटर भी ओरिजिनल, ओरिजिनल मीटर के साथ में है सारी। एवरेज किसी के दे दे है ये डीजल की संख्या? अंदाजा आपने क्या देखा? पाण में तो दे दे है 3 लीटर। अच्छा, 3 लीटर ले ले है। अच्छा अच्छा। और भाई ट्यूबवेल का कितना के लिए दे दे है? 1 लीटर में, 1 लीटर में 1 घंटा चले जा, पौने में रह ले है, एक लीटर खा लेगा। यू तो यू है, घुमा फिर तड़के ले जा, अच्छा अच्छा, 2 पुलिया का है। हाँ, वो तो पता, 2 पुलिया आ करती समय राजस्थान में ज्यादातर यूज कराया करते इन्हें। यो, और कोई खास बात हो ट्रैक्टर के साथ लगाओ बताओ जी, थोड़ा सा क्या है कुछ? बस यो लगाओ है, चलानी है, हम रह गए बड़क चला गए जी को रे। क्यों इसके कारण आ गया बड़का ना? धीमी स्पीड का। अच्छा अच्छा, सेट स्लो स्पीड बच्चा ना चाहिए, फास्ट का। अच्छा अच्छा, यो ट्रैक्टर है भाई। आप भी हो गए अंकल जी की ट्रैक्टर आपने भी चलाया होगा? यो इसने नहीं चलाया। अच्छा, DT14 था। अच्छा, एक में चलाया था। अच्छा अच्छा, खासियत क्या है कि क्लच ब्रेक अलग टाइप के है ना जी। ना देखो, उस टाइम पर मशीन ना कैसे आता, बहुत बढ़िया मशीन काटी थी, मेड इन रशियन थी, एक नंबर मशीन थी, और इतनी साफ रख रखे अपने, खड़ा कर रखे आज भी अपने घर पे। हाँ, नहीं वो तो छावा बना रखे, तभी तो गलावट कुछ नहीं देगा आज तक, कोई गल नहीं लोहे का, यही तो इन ट्रैक्टर की खासियत थी। एक लोहा इतना सख्त है, जर नहीं लग गई। हाँ, जर भी ना लगता, टूट फूट भी ना ट्रैक्टर में कम टूट फूट। आप बता रहे 250 एकड़ जमीन आपने इस ट्रैक्टर तो बोई है, तो हद मचाई है ट्रैक्टर ने भी, जो तो मस्त आ रहा है।
पहले मशीन नहीं वारते साधन कड़वा है जिन साधन नहीं वारते जी दो जोड़ी बोल ना तो खेती करा करते लाइट भी क्या की फिर यो आ गया अच्छा अच्छा नहीं तो है जी काफी सही चीज आपने संभाल करा के रखी फिलहाल यो जनरेटर चला इस पे यो वाला हां हां यो वाला अच्छा 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 हां ना बैठक भी अच्छा अच्छा इतनी झील में गई ना इतनी ऊंचाई पर थी गड़ी था अच्छा यह भी इसके साथ किए थी मतलब ट्रैक्टर पुराना है मतलब नया पुराना नया है इसके आगे पे कई फुट गया था पूरी एक बेसमेंट नीचे जाली भाई पूरी पूरी जाली थी इसमें 10 पैड़ी की है अच्छा 10 पैड़ी लगा ली आपने और 5 पैड़ी थी ना जब पहले पशु भी भीतर आया जाया करते अच्छा 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 हाँ करीब तो घना ज्यादा हो गया पशु तो फिसल जाएगा नहीं बनी गई ना नहीं नहीं भी बनी गई फिर पशु भी फिसल जाएगा इसमें फिर वो चोट लग गया तो जानवर तो है जी तो उसके डाले पड़ रही थी वो बड़ी जान थी आराम से डाले तो पड़े जाएंगे जो टाइम के हिसाब से सारी चीज पड़ जाए डाले से धीरे धीरे चलो जी काफी अच्छा लगा सर आपसे बात करके ये था भाई DT14 ट्रैक्टर 1967 का मॉडल 66 का मॉडल और जैसी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना थैंक यू दोस्तों।